तो दोस्तों फाइनली रेलवे की तरफ से रेलवे इंप्लॉयियों के लिए बोनस आ चुका है। मेरा भी बोनस आ चुका है मेरे अकाउंट में। और बताया गया था कि रेलवे इंप्लॉयियों को 78 दिन का सैलरी मिलेगा बोनस के रूप में, जो कि मेरे बेसिक 26,300 के हिसाब से ऑलमोस्ट 70,000 रुपये 70,000 रुपये होता है, जबकि मेरे अकाउंट में आया केवल 17,951 यानी 17951। मैं सोच में पड़ गया ये क्या हो गया, ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। 78 दिन की सैलरी बोल के केवल 17,951 रुपये ही क्यों आया। फिर मैं सोचा इसका नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ लिया जाए कि बोनस कितने दिन का मिलना था, क्या पता मैं 18 दिन को 78 दिन पढ़ लिया हूँ। फिर मैं ठीक से पढ़ा तो पता चला 78 दिन ही लिखा है, लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है। जैसे जोमेटो और स्विगी में होता है आपका 50% डिस्काउंट अप टू 40, जैसे दीपेंद्र गोयल जी बोल रहे थे कि 50% डिस्काउंट तो है लेकिन मैक्सिमम 40 तक, वैसे ही रेलवे का बोनस भी है। आपको 78 दिन का बोनस मिलेगा, आपके चेहरे पे खुशी रहेगी कि 78 दिन का बोनस आने वाला है, लेकिन मैक्सिमम आएगा 17,951 रुपये यानी 17951। तब मुझे एहसास हुआ कि लोग झूठ मूठ में ही परेशान होते हैं कि उनके टैक्स का जो पैसा है वो हमें बोनस के रूप में ऐसे ही बांटा जा रहा है। भाई लोग, हम लोग जलने के पात्र नहीं है, ईर्ष्या के पात्र नहीं है यार, दया के पात्र हैं। केवल 17,951 रुपये मिला है।